अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, एक पंडित ने कुरान की बेहुर्मती की, फिर देखें कि कैसे एक फरिश्ता चीते की शक्ल में नमूदार हुआ और इस चीते ने पंडित के साथ ऐसा क्या किया कि तमाम देखने वाले काम कर रह गए। ये वाकया मुकम्मल जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि कुरान मजीद मुनाफिकों, काफिरों और फासिकों से मुखातिब होकर बबागे दहन उनको चैलेंज करता है और उन्हें अल्लाह की शदीद अकड़ और जहन्नुम की आग में डालने की सख्त तरीन सजा दिए जाने का ऐलान भी करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में मोमिनीन से दो टूक फरमाते हैं कि कुफ्र एक फितना है और इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफिरों से जंग करें ताकि इस रुए जमीन पर सिर्फ अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो। कुरान मजीद के नुजूल और इसमें दिए गए अहकाम जिहाद के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानल्लाहु अलैहिम अजमईन की क़यादत फरमाते हुए कुफ्र को ललकारा, यहीं से कुफ्र और इस्लाम यानी हक व बातिल के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और कयामत तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई के दौरान मुनाफिकीन और फासिकीन ने एक इंतहाई घटिया रोल अदा किया जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। कुरान पाक की बेहुर्मती के वाकयात अक्सर देखने में आते हैं। एक ऐसा ही वाकया आपसे शेयर करते चले जो कि यहीं पर रेनुमा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि बिहार के गांव जिसका नाम दीनापुर था, उसमें एक मुसलमान आलम दीन रहा करते थे। ये बुजुर्ग निहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। उनका यह मामूल था कि सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करने के बाद जंगल में चले जाया करते और मगरिब के वक्त जंगल से वापसी गांव आ जाते। दीनापुर गांव के लोग उनके इस रूटीन पर हैरान भी थे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की जानिब क्यों चले जाते हैं और शाम को ही वापस क्यों लौटते हैं। उसी गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदू घराने भी मौजूद थे। ये हिंदू मुसलमानों से शदीद नफरत करते थे और मुस्लिम मुखालिफ अकदामात में पेश पेश नजर आते थे। ये मनसूबा बंदी करते रहते थे कि किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करके उनको इस गांव से निकाल दिया जाए। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान की कोई तरकीब और तदबीर काम नहीं कर रही थी। एक दिन उन्होंने सुना के साथ वाले गांव में बहुत बड़ा पंडित आया है, बहुत कम अरसे में उस गांव के मुसलमानों को मुश्किलात में डाल कर रख दिया है। खबर सुनकर दीनापुर के गैर मुस्लिमों ने यह प्लान बनाया कि फौरी तौर पर उस पंडित से मिला जाए और सूरती हाल से आगाह किया जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिशें की जा सके। यूं दीनापुर के तमाम गैर मुस्लिम उस पंडित के पास जा पहुंचे और तमाम हालात बयान कर दिए। उस पंडित ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे गांव आकर हालात का जायजा लूंगा, जिसके बाद हम मुसलमानों पर वार करेंगे। दूसरे दिन वो पंडित दीनापुर पहुंच गया और उसने मुसलमान आलम दीन के बारे में पूछगुछ शुरू कर दी। उस पंडित को बताया गया कि एक आलम दीन ऐसे हैं जो सुबह सादिक जंगल में चले जाते हैं और शाम को ही वापस लौटते हैं। ये जानकर उस मक्कार पंडित ने एक झूठी कहानी घड़ी और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकला, उसने गांव में ऐलान करा दिया कि मुसलमानों का यह आलम दीन रोजाना जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और गांव वालों से छुपाता है। आज मैं और दूसरे गैर मुस्लिम लोग जंगल में जाकर उसकी पोल खोल कर रख देंगे और उसे कत्ल करके गांव वापस लाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर दीनापुर के मुसलमान परेशान हो गए और उस पंडित के पीछे हो लिए जो अपने चेलों के साथ लिए जंगल की जानिब बढ़ रहा था। जब पंडित जंगल के ऐन वस्त में पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वही आलम दीन एक झोपड़ी के सामने चादर पर बैठे हैं और
उनके सामने कुरान मजीद रखा हुआ है और बुजुर्ग बड़े ही एहतराम और सोच के साथ कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। जब दीनापुर के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो समझ गए कि ये बुजुर्ग रोजाना जंगल में किस मकसद के लिए आते हैं। दरअसल वो अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगल में आते थे। पंडित ने बुजुर्ग को गर्ज़दार आवाज में पुकारा, ए बुढ़े, तू हर रोज क्यों आता है और अपने गांव वालों को ये धोखा क्यों दे रहा है? जिस पर वो बुजुर्ग बोले कि मैं तो रोजाना अपने रब की इबादत करने के लिए आता हूं और कुरान करीम की तिलावत करता हूं। बुजुर्ग ने ये कहते हुए कुरान मजीद की तरफ इशारा किया। पंडित ने जब ये सुना तो आग बगुला हो गया और गुस्से से आगे बढ़ते हुए नऊज़ु बिल्लाह कुरान पाक की बेहुर्मती करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुसलमान उस हिंदू पंडित को लान तान करने लगे क्योंकि उसने कुरान मजीद की बेहुर्मती करते हुए उसे जमीन पर गिराया था। प्यारे दोस्तों, ये मंजर देखकर वो बुजुर्ग भी जलाल में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कुरान मजीद को उठाया और फिर झोपड़ी की तरफ मुंह करके कुछ बोला कि देखते ही देखते झोपड़ी से एक चीता बाहर निकला जिसने उस पंडित पर हमला कर दिया, उस पंडित को चीर फाड़ कर रख दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने पूरे गांव और खुसूसन गैर मुस्लिमों से मुखातिब होकर कहा कि बेशक मेरे अल्लाह ने यह वादा किया है कि वो खुद अपने कलाम की हिफाजत फरमाएगा। यह खबर जब फैली तो बेशतर उलमा ने कहा कि असल में चीते के रूप में यह एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हुर्मत की खातिर भेजा था और इस चीते ने कुरान पाक की बेहुर्मती करने वाले इस पंडित को निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और बेशक प्यारे दोस्तों ये वो पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने ले रखा है। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान पाक का ऐलान है, बस अल्लाह ने अपना ये वादा सच कर दिखाया और किताब इलाही की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम कर दिया। इसी तौर पर कि उसके अल्फाज में महफूज, उसके माना भी महफूज, उसका रस्मुल खत भी महफूज, उसकी अमली सूरत भी महफूज, उसकी जुबान भी महफूज, उसका माहौल भी महफूज और जिस अजीम हस्ती पर इसका नुजूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातिबीन की सीरत भी महफूज और ये सब कुछ कयामत तक के लिए महफूज रहेगा। और प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1443 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसमें रद्दी बराबर भी कोई फर्क, कोई तब्दीली, कोई तगैर नहीं आया। मलऊनों की तरफ से लाख कोशिशें की गई मगर उनकी आज तक एक भी नापाक कोशिश कामयाब ना हो सके और ना ही ता कयामत हो सकती है। अल्लाह ताला की जानिब से कुरान मजीद की हिफाजत का इंतजाम देखे कि कैसे किया गया। सबसे पहले कुरान का मतन यानी उसके बईना अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम के वास्ते या वही के किसी और तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए और वो हर्फ बहर्फ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप फौरन कातिबी ने वही में से किसी एक से किताबत करवा लेते यानी लिखवा लेते, फिर सहाबा उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने अकदस से भी सुना करते थे और जो लिखा हुआ होता उसे भी महफूज कर लेते। इसी तरह 23 साल तक कुरान पाक नुजूल के वक्त में लिखा जाता रहा। सहाबा किराम ने उसे हिफ्ज किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हिफ्ज की बड़ी फजीलतें बताई। एक रिवायत के मुताबिक कुरान पाक अपने सीने में महफूज करने वाले सबसे पहले सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लफ्ज बलफ्ज याद करने का अहतमाम किया और इसी तरह कुरान पाक सीना और सफीना दोनों में मुकम्मल लफ्जन महफूज हो गया और यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल आज भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें और मजीद इसी तरह की रोज की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।